बुधवार को 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वाहिनी की टीम ने प्रदेश की 4 प्रतियोगिताओं में से 3 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर इतिहास रचने में सफलता हासिल किया। सर्वश्रेष्ठ प्लाटून ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल प्रतियोगिता में वाहिनी की टीम ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान लाकर 36वीं वाहिनी के गौरव को बढ़ाया है, जो कि सम्मेलन का मुख्य बिंदु था। इसके लिए सेनानायक को पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में पीएसी स्थापना दिवस 2023 के अवसर पर ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया था। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश की समस्त प्रतियोगिताओं में वाहिनी को प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु आगे की योजनाओं पर आज सहकर्मियों के साथ चर्चा की। इस अवसर पर राजेश कुमार सहायक सेनानायक, प्रमोद कुमार दुबे सहायक सेनानायक, अंबुज मिश्रा मुख्य प्रबंधक SBI रामनगर, कैलाशनाथ यादव, शिविर पाल, भगवान सिंह यादव सूबेदार, मेजर हरिओम राय प्रधान लिपिका आदि उपस्थित रहे। 36वीं वाहिनी रामनगर ने जो है अपना झंडा गाड़ा और 3 में हम सर्वश्रेष्ठ हुए, जिसमें फ्लड कंपनी थी, प्लाटून ड्रिल थी और एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन था। ये हमारी तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि एक तो हम पिछली बार जीत गए थे बेस्ट फ्लड कंपनी, लेकिन जो प्लाटून ड्रिल थी और जो एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन जो हमारा ड्रिल था उसमें हम रनर अप थे। इस बार हमने पिछली बार जो टीम थी उसी टीम को लगाया और लगातार एक वर्षों तक इनकी प्रैक्टिस चलती रही और कड़े अनुशासन में इन्हें बाहर का कुछ नहीं खाने दिया गया, केवल दूध पीते थे और मौसमी जूस पीते थे और बढ़िया हार्डवर्क कराया गया डिसिप्लिन तरीके से। हर फ्राइडे को मैं खुद देखता था, इसका परिणाम ये रहा कि हमारी 36वीं वाहिनी ने पूरे प्रदेश में 4 में से 3 जो बेस्ट था वो हम ले आए।